सब्सक्राइब करें हमारे जीके इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। आज मैं आपको बताएंगे किसी पावर सप्लाई को मॉड्यूल की सहायता से किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल उपलब्ध हैं जिनकी डिटेल आप साइड में देख सकते हैं। इस तरह के मॉड्यूल मार्केट में आपको इजीली उपलब्ध हो जाते हैं जिसकी सहायता से आप किसी भी पावर सप्लाई को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मॉड्यूल होता है वो फाइव वायर मॉड्यूल के नाम से मार्केट में मिलता है, जिसकी जो है पहचान कुछ आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें फाइव वायर होते हैं जो कि डिफरेंट कलर के होते हैं, प्रत्येक कलर की कुछ जो है पहचान होती है, उसके हिसाब से इसके कनेक्शन जो आपको पीसीबी के अंदर करने होते हैं। जिसका कि मॉडल नंबर जो आप देख सकते हैं, इसका मॉडल है CA888 के नाम से। ये मार्केट में आपको इजीली उपलब्ध है और काफ़ी ये सस्ता है। इसकी सहायता से आप किसी भी पावर सप्लाई को बाईपास कर सकते हैं। यदि उसका STR या MOSFET आपको नहीं मिल रहा है, या उसकी गेट ड्राइवर IC जैसे PMW IC या कंट्रोलर IC ना मिलने की वजह से जो पावर सप्लाई रिपेयर नहीं होती है, इस मॉडल की सहायता से उसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं सबसे आसान तरीका इस मॉड्यूल को किस तरह फिट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कॉम्बो बोर्ड है जो कि वीडियोकॉन, सनसुई, अकाई बहुत सारी कंपनी में लगकर आता है। तो आज हमारा टॉपिक है कि इसके अंदर ये 5-पिन जो है मॉड्यूल है आपको किस तरह फिट करना होता है, जिसका कि मॉडल आप देख सकते हैं CA888 के नाम से है। तो इसको फिट करने के लिए आपको जो इसका पुराना वाला जो MOSFET है वो आपको निकालना पड़ेगा, और साथ ही इसकी जो कंट्रोलर IC जो कि इधर लगी हुई है वो भी आपको रिमूव करनी होगी। ये दोनों आप रिमूव कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर कोई भी सप्लाई आउट नहीं होगी। बेसिकली इसकी जो सप्लाई है वो 24 वोल्ट पर रन करती है, यानी आउटपुट इसकी 24 वोल्ट है। लेकिन आप इस मॉड्यूल को 24 वोल्ट में भी लगा सकते हैं और 12 वोल्ट में भी लगा सकते हैं, ये इजीली वर्क करेगा। तो चलिए सबसे आसान तरीका इसको रिपेयर करने का और इसके कनेक्शन करने का, तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसके कनेक्शन करना बताते हैं। तो सिंपली आपको ब्लैक और ग्रीन ये दो वायर के कनेक्शन सबसे पहले करने होंगे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं सबसे आसान तरीका। तो नॉर्मली ब्लैक वायर को आपको मेन फिल्टर के नेगेटिव पे कनेक्ट करना है इस तरीके से, और ग्रीन वायर को उसी फिल्टर के पॉजिटिव पे कनेक्ट करना है। ये आपने कनेक्ट कर लिया। ये कनेक्शन आपको बैक साइड से करने हैं। नॉर्मली आपको बेहतर तरीके से हम दिखा सकें और समझा सकें, इसलिए हमने ऊपर से कनेक्शन किए हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, येलो वायर को जो आपका MOSFET था उसके ड्रेन पर, यानी उसके बीच वाले सिरे पे कनेक्ट करना है। इस तरीके से। उसके बाद वाइट वायर जो है इसको आपको सिंपली ये जो ऑप्टो कपलर आपको दिखाई दे रहा है, इसके यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये इसकी पिन नंबर 1 है, और इसके अपोजिट में इसकी पिन नंबर 4 है, यानी 1, 2, 3, 4। तो पिन नंबर 4 पे आपको वाइट वायर का कनेक्शन करने हैं। ये पिन नंबर 4 पे आपने वाइट वायर के कनेक्शन कर दिए हैं। अब आपका रेड वायर जो है, ये जो आप चॉपर देख रहे हैं इसके पास एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड के पॉजिटिव सिरे पर आपको इसको लगाना है जो कि इस फिल्टर से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से। तो आपने देखा सिंपली हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं। ये कनेक्शन आपको बैक साइड से करने हैं, और उसके बाद इस मॉड्यूल को आपको इस हीट सिंक पर कस देना है जिससे इसकी हीट इस पर ट्रांसफ़र होती रहे और ये ख़राब ना हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कनेक्शन हमने प्रॉपर किए हैं या नहीं किए हैं और क्या इसका रिजल्ट रहता है। तो चलिए एक बार पावर सप्लाई इन कर हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये कनेक्शन प्रॉपर हमने कर लिए हैं और हमने पावर ऑन कर दिया है। चलिए एक बार इसके आउटपुट चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो 24 वोल्ट की सप्लाई है जो कि इस शॉर्ट की डायोड पर निकलती है, साथ ही ये जो MOSFET है यहाँ पर भी आती है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं इजीली। आप देख सकते हैं 24 वोल्टेज एक्चुअली इसमें बन रहे हैं और ये सर्किट प्रॉपर ओके हो चुका है बिना इसके ओरिजिनल MOSFET के और इसकी गेट ड्राइवर IC के। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार इस पावर सप्लाई के मॉड्यूल की सहायता से हम लोगों ने रिपेयर किया। इसी तरह के और वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो
तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। यदि आप और किसी मॉडल के बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग के बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।